नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मेरे साथ है होंडा यूनिकॉर्न का एक नया कलर। और नया कलर कौन सा है? पीएस ब्लू कलर, जो पहली बार होंडा यूनिकॉर्न में आपको देखने को मिल रहा है। तो आज मैं ये पीएस ब्लू कलर का एक वॉकअराउंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑलरेडी इसका डिटेल राइड रिव्यू आपको शोरिक मोटर यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या नया अपडेट वगैरह आया है उसका फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप लोग को अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। बट ये पीएस ब्लू कलर एक्चुअली देखने में कैसा है और क्या क्या नया अपडेट इसमें आपको देखने को मिल रहा है, कितना ऑन रोड प्राइस है, एक छोटा सा वॉकअराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू लीडर्स होंडा कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के कोलकाता हावड़ा हुगली से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लीडर्स होंडा कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों, ये है आपका होंडा यूनिकॉर्न का नया पीएस ब्लू कलर। ये पीएस ब्लू कलर आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। और इस ब्लू कलर के अंदर एक्चुअली आपको पर्ल मेटालिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब इस कलर के ऊपर धूप पड़ती है तब ये कलर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। एक्चुअली इसमें आपको टोटल 2023 में चार कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, रेड, ब्लैक, मैट एक्सिस ग्रे और पीएस ब्लू कलर। अपडेट इसमें आपको काफ़ी तगड़ा अपडेट मिला है। लाइक इसका जो इंजन है, ये इंजन में पावर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अभी इसमें आपको 162.71 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिल रहा है, जिसमें अराउंड आपको 13.46 पीएस की पावर मिलती है और 14.54 एनएम का टॉर्क मिलता है। उसके साथ साथ ये बाइक अभी पहले से लाइट वेट हो चुका है। कितना लाइट वेट हुआ है? लगभग 1 kg इसका वेट जो है रिड्यूस किया गया है। पहले इसका वेट था 140 kg, अभी इसका वेट है 139 kg। एक्चुअली पावर इंक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ बाइक थोड़ा सा लाइट वेट हो चुका है, उसके साथ साथ बाइक का रिफाइनमेंट और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। जिन्होंने इसका राइड रिव्यू नहीं देखे उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। प्लीज़ जाके आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिए, इसका राइड रिव्यू आप लोग जाके देख सकते हो बाइक कितना ज़्यादा रिफाइन हुआ है। उस राइड रिव्यू पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्सट्रीमली रिफाइंड है। उसके साथ साथ नया BS6 फेज 2 कंप्लाइंट इंजन है। E20 फ्यूल को जो है इंजन अभी सपोर्ट करने वाला है, तो E20 का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके साथ साथ आप नॉर्मल फ्यूल भी इसमें डाल सकते हो, प्लस OBD2 का अपडेट भी इस बाइक को मिल चुका है। लाइट सेटअप इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट सेटअप भी मिलता है, ये आप देख पा रहे हो, हैलोजन हेडलाइट सेटअप दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बल्ब ब्लिंकर देखने को मिलेगा। एक बार मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको इसका लाइट सेटअप और इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार मैं सुना दे रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो, इसका मेन हेडलाइट सेटअप हैलोजन हेडलाइट सेटअप यहाँ पे दिया गया है। और इसमें अभी भी क्यों हैलोजन हेडलाइट सेटअप है उसके बारे में भी मैं राइड रिव्यू पे डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, वो वीडियो आप लोग प्लीज़ जाके चेकआउट करना। यहाँ पे आपको बल्ब ब्लिंकर्स देखने को मिलेगा, एक बार एग्जॉस्ट नोट आपको सुना दे रहा हूँ। एक्चुअली बाइक पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। माइलेज आराम से आपको 45 से 50 kmpl का माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, फ्रंट में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है, 240 सेक्शन का डिस्क दिया गया है, निसिन कैलिपर यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है ये आप देख पा रहे हो। उसके साथ साथ फ्रंट में आपको 80x100 सेक्शन का टायर मिलता है, 18 इंचेस का अलॉय व्हील के साथ आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दिया गया है, MRF नाइलो ग्रिप जैपर का टायर यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है, डायमंड टाइप फ्रेम इसमें आपको देखने को मिलेगा, फुल्ली मेटल का टैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, होंडा का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सीट काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है और मीडियम सॉफ्ट सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पीछे में आपको ग्रैबरेल दिख रहा होगा, यूनिकॉर्न का यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रहा होगा। और ये पीएस ब्लू कलर एक्चुअली देखने में काफ़ी सही लग रहा है। उसके साथ साथ पीछे में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है, और इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलता है ये आप देख पा रहे हो। अभी 160 सीसी में बहुत ही कम बाइक में किक स्टार्ट देखने को मिलता है, बट यूनिकॉर्न जो है एकदम ही लो मेंटेनेंस बाइक है, तो इसमें आपको किक स्टार्ट भी देखने को मिलता है। अच्छा, एक बार मैं इसका आपको प्राइस बता दे रहा हूँ, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अभी इसका ऑन रोड प्राइस है 1,33,338 रुपीज़ के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। साइज 10 विथ साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मिडिल स्टैंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक बात है, यहाँ पे आपको टो शिफ्टर मिलता है, कोई भी हिल शिफ्टर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। मोनो सस्पेंशन का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ वेट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो मैसिव 187 mm
इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है लाइक सेगमेंट फर्स्ट इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 सीसी के बाइक में देखने को मिल रहा है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो 798 mm इस बाइक का सीट हाइट है, तो आपका हाइट अगर 5'5" भी है तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली चला पाओगे। यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड और लेडीज़ फुटरेस्ट दिख रहा होगा, फुल्ली कवर्ड चेन है, तो चेन का उतना ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। पीछे में भी आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है, 100x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको दिया गया है 18 inches का अलॉय व्हील के साथ। पीछे से इसका टायर पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है, उसके साथ साथ बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पीछे में आपको कोई भी ABS नहीं देखने को मिलता है। पीछे का जो टेल लाइट है वही आपको बल्ब टेल लाइट दिया गया है विद बल्ब ब्लिंकर्स के साथ। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, वही आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें आपको अलग से टैकोमीटर भी मिलता है। ये एक्चुअली देखने में मेरे को काफ़ी सही लगता है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिया गया है, इधर आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ पे ABS का सिग्नल जल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका फ्यूल गेज एनालॉग में, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको न्यूट्रल का सिग्नल देखने को मिलता है, हाई बीम का सिग्नल, इंडिकेटर का सिग्नल, इंजन मालफंक्शन का सिग्नल देखने को मिलता है, इंजन किल स्विच, सेल बटन, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न जो है डेफिनेटली लाउड है। क्लच की अगर बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट क्लच सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मिरर से भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाता है। तो यही आपको PS ब्लू कलर एक्चुअली मैं दिखाने का कोशिश कर रहा था, तो उसके साथ एक छोटा सा वॉक अराउंड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपको ये नया PS ब्लू कलर कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। एक्चुअली मेरे को ये PS ब्लू कलर काफ़ी बढ़िया लगा, और ओवरऑल आप लुक यहाँ पे देख पा रहे हो। बाकी इसका राइड रिव्यू आप लोग प्लीज़ 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 जाके देखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये होंडा यूनिकॉर्न 160 का नया PS ब्लू कलर अच्छा लगा होगा। वैसे वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।